का एक नया चीड़ी की मारी वाला है नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप में मोबाइल डिवाइसेस के लिए, और क्या डिज्नी इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को खरीदने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मेड इन इंडिया फाइटिंग गेम कौन सा है, ठहरो भाई ठहरो, सब कुछ बताएंगे। स्वागत है आप सभी का गेमिंग न्यूज सीरीज के 107th एपिसोड में, और आज मेरे पास में भर भर के अपडेट्स है। अगर जानना है सब कुछ तो देखिए इस वीडियो को एंड तक, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। इस सभादार वीडियो की शुरुआत ही होती है एक भयंकर अपडेट से। जी हाँ, हाल ही में गोट सिमुलेटर 3 गेम की अनाउंसमेंट हो चुकी है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। गेम फिलहाल प्रीवियस स्टेशन की स्टेजेस पर है, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हो। और जितने भी लोगों को नहीं पता कि गोट सिमुलेटर सीरीज क्या है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक बहुत ही फनी सीरीज मानी जाती है। यहाँ पर आप लोगों को रैगडॉल फिजिक्स मिल जाएगा, गन्स वगैरह चलाने का मौका मिलता है, जहाँ आप लोग एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। इनफैक्ट ह्यूमंस को परेशान करते हैं, गाड़ियां वगैरह चलाते हैं, और अगर दिल चाहे तो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से फनी है हमारा नेक्स्ट अपडेट। जी हाँ, Resident Evil Village गेम ऑफिशियली रिलीज हो चुका है iPhone 15 Pro एंड 15 Pro Max पर, और यहाँ हम लोग तो बस देखते ही रह गए। जिनके पास में ये किडनी है वो लोग तो खेल रहे हैं मजे से, लेकिन भाई मुझे तो अपनी दोनों ही चाहिए, सो सहलेंगे थोड़ा। और आईफोन से ही मुझे याद आया, हाल ही में एप्पल के CEO टिम कुक चाइना विजिट पर गए हुए थे, और वहीं पर उन्होंने प्रेस किया ऑनर ऑफ किंग्स गेम को, और ऐसा कोई पहली बार नहीं है। वो ऑलरेडी गेंशन इंपैक्ट गेम की तारीफ भी पास्ट में कर चुके हैं, और यार वो ऐसा करे भी क्यों ना, वो भी तो यही चाहेंगे ना कि एप्पल की गेमिंग लाइब्रेरी और भी ज्यादा एक्सपेंड हो सके, जहां उस ताली की चाबी चाइना के गेम डेवलपर्स के हाथ में ही तो है। और वहां के डेवलपर्स से मुझे अपने इंडिया की याद आ गई। जी हाँ, हमारे इंडियन डेवलपर्स ने एक मेड इन इंडिया हॉरर गेम कमला को अनाउंस किया, जो इंडिया का फर्स्ट हॉरर गेम होने वाला है फॉर PCs, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर भी हम लोग को हाल ही में देखने के लिए मिला था, और उसके अंदर मुझे गेम प्ले की झलक तो काफी कम ही दिखाई दी है। खैर, मैं ये बात जान रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा कि प्रतीक भाई PC की बातें तो आप कम ही किया करो, दर्द होता है। सो लो भैया, मोबाइल पर आ जाते हैं, जहाँ हाल ही में एक मेड इन इंडिया फाइटिंग गेम आया है, आखिरी जंग क्राइम कॉम्बैट, जिसकी ग्राफिक्स मुझे डिसेंट लगी, एंड इसको अभी जा करके आप लोग डाउनलोड एंड प्ले भी कर सकते हो। अच्छा, अब जरा ना बात करते हैं कुछ ऐसी गेमिंग अपडेट्स के बारे में जहाँ गेम या तो आ चुके हैं या फिर फ्यूचर के अंदर आने वाले हैं। जैसे हम सभी का फेवरेट है डेल्टा फोर्स हॉक ऑप्स गेम, हाल ही में इसकी ग्लोबल प्ले टेस्टिंग की रोड मैप को अनाउंस कर दिया गया, जहां फर्स्टली ये गेम चाइना में टेस्ट किया जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में क्लोज बीटा टेस्टिंग करी जाएगी। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी गेम को प्री रजिस्टर करके रखा हुआ है, तो आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटीज की लिस्ट में है जिनको ये गेम टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा। वही दूसरी ओर नेटीज की तरफ से आने वाला कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल की कॉपी प्रोजेक्ट ब्लड स्ट्राइक, ये गेम भी सी रीजन्स के अंदर अवेलेबल है प्ले करने के लिए, अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हो। और अगर ग्लोबल लॉन्च का इंतजार करना है तो वो है अराउंड मार्च 2024। और आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बस वही है हमारा नेक्स्ट गेम दी वॉकिंग डेड मैच 3 टेल्स। ये एक बिल्कुल ही नया पजल RPG गेम होने वाला है वॉकिंग डेड फ्रेंचाइजी के अंदर, जिसकी ग्राफिक्स और गेम प्ले मुझे एकदम बेकार लगा। एंड अगर न्यूली रिलीज गेम्स की बातें चली रही हैं, तो हाल ही में लॉस्ट इन ब्लू फेट्स आइलैंड गेम भी ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, और तो और साइलेंट हिल असेंशन गेम भी फाइनली आ चुका है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। वैसे इस गेम को ना कोई स्ट्रीमिंग शो कहें तो वो ज्यादा सही होगा, बिकॉज हम लोग को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी एंड सिनेमैटिक कटसीन्स ही देखने के लिए मिलते हैं, विद लिटिल बिट ऑफ फ्रिल्स ऑफ मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। सो मेरे हिसाब से तो जो हाइप इस गेम ने बनाई थी उसको ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। इसी के साथ ही सुपर सेल ने भी अनाउंस कर दिया अपना नया मॉन्स्टर हंटिंग टाइटल MO.SEER, जिसकी क्लोज बीटा टेस्टिंग चल रही है फिलहाल के लिए मोबाइल डिवाइसेस पर US रीजन के अंदर। हालांकि ये गेम भी मुझे उतना पसंद नहीं आया, और जहां बात सुपर सेल की चल रही हो और हम लोग क्लैश ऑफ क्लैंस का जिक्र ना करें, ऐसा हो सकता है भला? सो चलिए बातें कर लेते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस एंड क्लैश रॉयल, ये दोनों ही गेम्स आने वाले हैं ऑफिशियली PCs के ऊपर। क्या आप लोग इन गेम्स को PC पर खेलने वाले हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी ओर कुछ तबाहदार खिचड़ियां पक रही हैं, आइए जानते हैं। डिज्नी की तरफ से ऐसी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि वो एक्वायर कर सकती है मेजर गेम पब्लिशर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, और आप लोगों को शायद इस बात की गहराई का अंदाजा नहीं हो रहा होगा, पता है ये खुद में कितनी बड़ी बात है। एक तरफ डिज्नी, जिसके पास में अपनी खुद की ढेर सारी IPs है, और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, जिनके पास में सालों का गेम डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। तो सोचिए जरा, अगर ये दोनों मिल जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि डिज्नी गेमिंग मार्केट के अंदर भी तहलका मचा दे। खैर जो भी हो, हमारे लिए तो मजा ही होने वाला है। और अब फटाफट से कर दो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं वीडियो की सबसे तबाहदार न्यूज की ओर।
उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि नेटफ्लिक्स टॉकिंग टर्म्स में आ चुका है रॉकस्टार के साथ में एक नए चीटी टाइटल को लेकर के, जिसे वो अपनी गेमिंग लाइब्रेरी के अंदर ऐड करना चाहते हैं। अब देखो, नेटफ्लिक्स ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स फूके हैं अपने गेमिंग कैटलॉग को बढ़ाने के लिए, जिसके अंदर टोटल 70 गेम्स हैं विद ओवर 70 मिलियन डाउनलोड्स। लेकिन उसमें से भी ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ इंडी गेम्स ही हैं, और वो ऐसा जरूर चाहेंगे कि उनके पास में एक बड़ा ट्रिपल ई टाइटल हो ताकि वो ज्यादातर यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाए। एंड रॉकस्टार से बेहतर ये कौन कर सकता है भला। अब इसमें स्पेकुलेशन तो बहुत लगाई जा रही है कि ये गेम आने वाला है, ये फलाना गेम आ सकता है, जिनका ना फलाना सलाना। लेकिन एक्चुअली में पर्सनली मुझे पता है क्या लगता है कि GTA Trilogy The Definitive Edition डायरेक्टली आने वाला है गूगल प्ले स्टोर के अंदर अंडर नेटफ्लिक्स गेम्स, यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स नेटफ्लिक्स एक्वायर कर लेगा। अब देखो, आने को तो GTA Vice City Stories भी आ सकता है, या फिर कोई ब्रांड न्यू GTA गेम जो डायरेक्टली मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही बनाया जा रहा हो। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम मान करके चलिएगा। और जब इतना कुछ हम लोग मान ही रहे हैं, तो ये भी मान लेते हैं कि शायद Netflix एंड Rockstar के बीच में कुछ और डील भी चल रही हो। एक सेकंड के लिए सोच करके देखिए, अगर GTA फ्रेंचाइजी पर कोई मूवी या फिर वेब सीरीज बन जाए तो कितना गदर नहीं बच जाएगा। मींस होने को तो कुछ भी हो सकता है, हमारे पीठ पीछे क्या बातें चल रही हैं बड़ी कंपनीज के बीच में हमें कौन बताने वाला है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा ही होगा, हर दूसरी मूवीज एंड गेम्स के ऊपर वेब सीरीज निकल आती है, तो GTA तो फिर भी एक बहुत बड़ा नाम है और नेटफ्लिक्स के पास पैसों की कमी भी नहीं है। अब क्या गेम की लाइव अडेप्टेशन की जाएगी या फिर नहीं, वो तो हमें कुछ सालों में पता लग ही जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना ही है। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जा ही रहे हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को बनाने के लिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नई तबाहीदार वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चेकआउट कर सकते हैं मेरी गैंगस्टर गेम्स की इवोल्यूशन वाली वीडियो। सी यू देन, गुड बाय।